हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो दोस्तों? आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग दिन रात एक कर दे रहे हो। कुछ लोग रात को पढ़ रहे हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। और कोशिश करो कि जो भी वीडियोस लेक्चर हम लोग बनाते हैं उसको आप एक बार मत देखो, जरूरत पड़े तो आप उसको दो बार देखिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक उसको एक बार वापस से देखना जरूरी है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कि अगर आपको ज्यादा अच्छे से आ गया तो, है ना? तो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट ओनली आस्क्ड इन FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट बट ऑल्सो इन अकाउंट्स। तो दिस टॉपिक इज रिलेवेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंट एज वेल एज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब रही बात इस टॉपिक की, तो ये दो एक्चुअली देखेंगे तो एक ही टॉपिक है, बट जनरली आपके सिलेबस में दो चैप्टर बोल के आता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट अलग से आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से आता है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट एंड देन वी विल जंप टू हाउ इट विल बी डन। ओके, नाउ सो द वेरी सिंपल वर्ड इज, फर्स्ट वर्ड इज फंड। इफ आई आस्क एनीवन, एनी लेमैन पर्सन दैट व्हाट इज अ फंड, फंड मतलब क्या, तो वो बोलेगा कैश। या तो फिलहाल के लिए जनरल मीनिंग ही लेके चलते हैं, फंड मतलब कैश। फिर क्या चाहिए? फंड फ्लो। फ्लो का मतलब होता है आइदर इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब आ रहा है, आउटफ्लो मतलब जा रहा है। सो फंड फ्लोइंग, आइदर कमिंग और गोइंग, ऐसा स्टेटमेंट। सो इन दिस टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्लोइंग, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पैसे कहां से आ रहे हैं, पैसे कहां जा रहे हैं। सर व्हाई वी नीड दिस, सिंपली बिकॉज वेन एवर यू थिंक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं कि कंपनी फाइनल अकाउंट बनाती है, फाइनलाइजेशन करती है, तो फाइनलाइजेशन मतलब क्या? तो कंपनी क्या करती है, उस साल का क्या परफॉर्मेंस रहा उसके लिए वो पीएनएल अकाउंट बनाती है, या ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। सो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बताता है इस साल का करंट ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सेकेंडली वी ऑल्सो प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है वॉट इज आर पोजिशन एज ऑन पर्टिकुलर डेट, उस पर्टिकुलर डेट पे हमारी पोजिशन क्या है, हमारे पास कितने असेट्स हैं, हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज है, ऐसा। तो एक हमने बता दिया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, एक हमने बता दिया हमारा पोजिशन कितना है। अब क्या होता है मालूम है, देर इज वन मोर थिंग मिसिंग, कि ये जो चेंज हुआ है पैसे में, पहले पैसा अपने पास कितना था, अब पोजीशन क्या हो गई। सो एक चीज समझो, दिस इज गोइंग टू टेल द परफॉर्मेंस, प्रोबेबली द रिजल्ट पार्ट। दिस इज गोइंग टू टेल अस द पोजीशन, हमारी पोजीशन कैसी है, है ना? वी नीड वन मोर स्टेटमेंट कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट, बताने के लिए कि पैसे कहां कहां से आए, पैसे कहां कहां गए, पैसे कहां कहां से आए, पैसे कहां कहां से गए। एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये नहीं है, बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, चेंजेस इन पोजीशन। पहले हमारी पोजीशन क्या थी, अब हमारी पोजीशन क्या है, उसमें जो चेंज हुआ है वो चेंजेस किस किस वजह से हुआ है, कहां कहां से पैसे आए, कहां पे पैसे गए, असेट बेचे, नए असेट खरीदे, इन्वेस्टमेंट बेचा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, शेयर इशू किया, ये सारी चीजों का डिटेल इस फंड फ्लो स्टेटमेंट में मिलता है। तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाएंगे बेटा, ये तो देना ही है, ये भी देना है और ये भी देते हैं हम लोग, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज डन, दे हैव कैंसल दिस आउट एंड अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देते हैं एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। हम लोग क्या देते बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसे देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यस डिफरेंस है, बट तुम्हारे नजर के एंगल से फिलहाल के लिए टॉपिक शुरू किया है तो मैं डिफरेंस नहीं रखता हूं। फिलहाल अगर हम लोग टॉपिक के एंगल से बात करें, अपने पढ़ाई के एंगल से बात करें बेटा, तो एक चीज हमने सीखनी है फंड फ्लो स्टेटमेंट और एक चीज सीखनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोनों में इतनी सिमिलैरिटी है कि अगर आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट सीख लिया तो समझो 80% काम बन गया। सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर आप उसके बाद सीखना चाहते हो तो 20% सिर्फ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। दैट मींस
दोनों में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वी विल सी दैट थिंग, लेकिन मैं आपको पूरा फंड फ्लो स्टेट एकदम डिटेल में अपन सीखेंगे। जितना डिटेल में सीखोगे ना उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, और वही सिमिलैरिटी आपको स्कोर करने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दिस टॉपिक इज नॉट ओनली आस्क्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल्सो इन अकाउंट्स। सो अकाउंट्स में भी ये चैप्टर पूछते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो उस एंगल से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हालांकि अपने लिए तो सभी इंपॉर्टेंट, अपने को सभी पढ़ना पड़ता है, बट ठीक है ना, कुछ चीजों को ज्यादा रिस्पेक्ट देना पड़ता है, वैसा टाइप में हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक चीज समझने का कोशिश करते हैं। अब हम सब बेसिक्स की बात करेंगे, मतलब ये सब चीजें नहीं आएंगे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। देखो, अगर मुझे बताना है चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजिशन, चेंजेस इन पोजिशन, तो वो मुझे बताने के लिए सबसे पहली चीज एक समझो कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैलेंस शीट दिया रहेगा। अब बैलेंस शीट में अपने को कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, सो दे विल बी गिविंग 2010-2011 और ये अपना हो गया एसेट साइड। ठीक है, फिर सिमिलर वे दिस इज आर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में 2010 एंड 2011। समझने का कोशिश करो, चलो बताओ असेट साइड में क्या क्या होता है। अगर हम ऐसे बात करें तो होता है फिक्स्ड असेट, होता है इन्वेस्टमेंट, है ना, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। फिर क्या होता है बेटा, करंट असेट। ये ऐसा, इस वीडियो देखने वाला ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये नहीं मालूम, ये तुम्हारे बचपन की यादें हैं, इसको भूल नहीं सकता है तुम। फिक्स्ड असेट में टेंजिबल असेट्स आते हैं, मतलब जो हम लोग जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, और क्या हो सकता है, मशीनरी हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, बाद में इनटेंजिबल में गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, तो फिक्स असेट नाम की एक चीज होती है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, हम लोग ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आइदर इट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड मतलब हमारे सिमिलर बिजनेस रिलेटेड है, नॉन ट्रेड मतलब बिजनेस रिलेटेड नहीं बट काइंड ऑफ एक्सपांशन प्लान। नाउ करंट असेट्स का मतलब क्या होता है, करंट असेट इज वेरी पॉपुलर, सो एवरीवन इज नोइंग दिस, मतलब तुम्हारा डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, जो चेंज होता है एवरी ईयर दिस चेंजेस, है कि नहीं। फिर तुम्हारा कैश और बैंक बैलेंस हो गया, ऐसा है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी इधर ही आ गया ना, ऐसे सारी चीजें। सो दीज आर योर बैलेंस शीट्स। ओके, सिमिलरली यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर शेयर होल्डर फंड आ गया, डेट फंड आ गया, डेट फंड मतलब जो तुम्हारे लोन होते हैं, लोन फंड्स हो गए। फिर अच्छा, इसमें मैं एक चीज और थोड़ा बाइफरकेट करके दे दूं तो अच्छा रहेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट शेयर होल्डर फंड, मतलब हम लोग बात करते हैं कैपिटल का, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, एंड वी टॉक अबाउट रिजर्व्स एंड सरप्लस, समझा कि नहीं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब अपोजिट ऑफ दिस, सो क्रेडिटर आ गया, बैंक ओडी आ गया, बिल्स पेएबल आ गया, वो सब आ गया। सो दिस इज अ बैलेंस शीट। अब अपने को क्या समझना है इसमें, जो समझने जैसा है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्चुअली फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ना वो चेंजेस इन पोजिशन, जैसे 2010 में क्या था, 2011 में क्या हुआ। अब मैं अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूछूं, जस्ट सिंपल, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाना, समझो दिस वॉज 100 रुपीज, दिस बिकम 120, टेल मी व्हाट डज इट मीन, पैसा आया कि गया। पहले कैपिटल कितना था 100, अभी कैपिटल कितना हो गया 120, मतलब यस 20 कैपिटल आया। सो सिमिलर वे मान लो इधर पे था से 100, इट हैज बिकम से 70, व्हाट डज इट मीन। इन 2010 आर लाइबिलिटी वॉज 100, नाउ इट हैज बिकम 70, तो कितना कम हुआ 30 कम हुआ, मतलब पैसा आया या गया, फ्लो इन और फ्लो आउट, यस फ्लो आउट, पे कर दिया ना। तो उस तरीके से हम लोग चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब बैलेंस शीट 2010 का देखते हो या 2011 का देखते हो तो वो पर्टिकुलर ईयर का बैलेंस शीट होता है। जब दो पर्टिकुलर दो ईयर को आप मैच करते हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन पोजीशन। चेंज क्या हुआ, इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ओके, सो बेसिकली
करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को आमने सामने रख देगा तो क्या बनता है? वर्किंग कैपिटल। सो अपने को ये भी रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि व्हाट आर द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। तो पूरे पूरे बैलेंस शीट में जो चेंजेस हुए ना वो सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सिमिलर वे यहां पर मान लेते हैं वी हैड से 200 का दिस, नाउ इट बिकम 250। तो ऑब्वियसली हमने नया खरीदा होगा और डेप्रिसिएशन भी रहा होगा, मान लेते हैं यहां पे नहीं था। इट मींस हमने इस साल इन्वेस्टमेंट किया मतलब हमने खरीदा, तो आउटफ्लो ऑफ फंड। तो इस तरीके से एक चीज समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ अपने को दिया रहेगा और अपने को ये करना है। इस चीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसको हम लोग करने वाले, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए था। अब मैं जो एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो लैंग्वेज आप समझ के ले लीजिए। इसको बोलते हैं नॉन करेंट असेट। क्या बोलते बेटा? नॉन करेंट असेट। एंड दिस तो यू कैन सी इट इज करेंट असेट। सिमिलरली दिस बोथ आर नोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड दिस इज नोन एज करेंट लाइबिलिटी। ये सबको समझता है? नॉन करेंट असेट, करेंट असेट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। या नॉन मतलब लॉन्ग टर्म, मोर देन वन ईयर, करेंट मतलब लेस देन वन ईयर। तो उस तरीके से पूरा बैलेंस शीट डिवाइड रहता है आपका। तो ये अपने को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि भाई ऐसा एक कुछ तो होता है ना। तो ये एक बैलेंस शीट का मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दे दिया कि नॉन करेंट असेट और करेंट असेट, करेंट लाइबिलिटी, हम लोग को इसके ऊपर सब बताना है अपने को। चलो अब यहां तक अपने को हो गया। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि सर जितने भी फिक्स असेट दिख रहे हैं ये वो दिख रहे हैं, तो अब इसमें अपने को जो समझना है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो चीजें हैं। एक है नॉन करेंट असेट एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी, और एक है करेंट असेट एंड करेंट लाइबिलिटी। आपको इतना तो समझ में आ गया रहेगा, इसी को वर्किंग कैपिटल बोलते बेटा। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी आमने सामने आ जाते तो वर्किंग कैपिटल हो जाता है। अब अपने को करना क्या है? तो इसका हम लोग सब लोग लेजर बनाएंगे तो हमको समझ में आएगा पैसा आया क्या, क्या हुआ वो। और इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ उसके लिए, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट दो पार्ट में अपने को डिवाइड करना है, इस तरीके से कुछ बनाना है। बनाना क्या है वो सबके लिए वेट करो, हैव सम पेशेंस, डोंट रश, धीरे धीरे सीखेंगे, घाई मत करो, ओके? अब ये दो पार्ट हो गया। सो मैं आपको पार्ट ए सिखाऊंगा एंड पार्ट बी सिखाऊंगा। पहले हम लोग पार्ट ए सीखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे पार्ट बी सीखेंगे। पार्ट ए, मेकिंग लेजर्स। अब क्या आपको लेजर रीड करने आता है? ये बहुत बड़ी चीज होगी अगर आप लेजर रीड कर लो मेरे लिए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलिए लेजर रीड करते हैं। सो लेजर नंबर वन, लैंड एंड बिल्डिंग। चलो गाइस रीड करके दिखाओ मुझे, इसी से तो समझेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में चेंजेस क्या हुआ। पहले बताओ लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? असेट एक लाइबिलिटी है। लाउडली मन में नहीं बोलना है, हाँ क्या है? असेट है। तो चलो बताओ ओपनिंग कहां पर होगा, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में होगा? व्हाट इज द बेसिक बैलेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग? वेरी गुड, ओपनिंग डेबिट साइड में होगा। सबको समझ रहा है कि नहीं? ओपनिंग कहां होगा? डेबिट साइड में होगा। मान लो 100 रुपया ओपनिंग में। चलो बताओ इसका क्लोजिंग कहां होगा? अब वो डेबिट साइड में तो क्लोजिंग यहां होगा। अच्छा मान लो ये 150 है, मतलब 2010 का ओपनिंग और 2011 का, 2010 का क्लोजिंग है, 2011 का क्लोजिंग, ऐसा है 100 एंड 150 है। इसका मतलब क्या? 50 परचेज किया आपने। अच्छा चलो बताओ अगर अगर डिफरेंस यहां आता है, अगर मैं बोलू यहां 30 रुपीज है, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस 30? कहां है सर? दिस इज ऑन डेबिट साइड, डेबिट साइड में लिखा ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग का बेसिक बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। और उसको फिर से डेबिट किया 30 से,
उसका क्या मतलब है? लैंड एंड बिल्डिंग को फिर से डेबिट किया, मतलब आपने बढ़ा दिया। बढ़ेगा कब? लैंड एंड बिल्डिंग कब बढ़ेगा? जब आप क्या करोगे? परचेस। यस, इसको बोलते हैं परचेस। परचेस मतलब वहां पर लिखा जाएगा कैश, बैंक पेमेंट करेगा ना, तो परचेस मतलब वो होता है। बट फिलहाल के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है भैया? परचेस मतलब हमने खरीदा, तो टोटल 130 हो गया। 130 थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, रुको इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अपन थोड़ा ज्यादा लिखते हैं ना, समझो 100 लिख देते हैं, दोनों मिला के कितना हो गया? 200। चलो बताओ इधर डिफरेंस आ गया कितने का? 50। चलो फटाक से बता दो बिना सोचे, 50 मतलब क्या? जैसे ये परचेज है वैसे वो सेल है। ये कान के नीचे पड़ेगा ना, अरे पगले, डेप्रिसिएशन नहीं होगा? बोलने का मतलब ये है, जब भी आपने लैंड एंड बिल्डिंग दोनों साथ में लिखा है तो लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होता, बिल्डिंग का तो होता है ना, तो कहीं ना कहीं तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट होना पड़ेगा। चलो अब जो आपने 50 को सेल बोला, डेप्रिसिएशन भी तो होता है, तो ये नहीं होगा, इसको हटा दो। सो लेट मी राइट हियर डेप्रिसिएशन। सो टेल मी कितना डेप्रिसिएशन? से मान लो 20, तो अभी भी डिफरेंस आया 30 का। चलो बताओ अब ये डिफरेंस क्या है? ये क्या है? सेल। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग चेंजेस इन पोजीशन बोल रहे हैं उसमें देखो 100 का 150 था, बीच में क्या था? बीच में क्या था? 50 का गैप था। बट वो 50 का गैप मतलब देर इज अ परचेस, देर इज अ डेप्रिसिएशन, देर इज अ सेल, तीन अलग अलग चीजें हैं, है ना? तो अपने को वो चीजें समझना पड़ेगा, लेजर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अपने लिए। अब जो लेजर आपने समझा, अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जो मुझे मालूम है कि आप राइट आंसर दोगे। चलो बताओ ये जो 30 है, ये 30 इट इज सेलिंग प्राइस और इट इज अ कॉस्ट प्राइस, तो कितने में बेचा आपने? इन शॉर्ट ये बिल्डिंग जो भी बिका है वो 30 में बिका है, कितने में बिका है? 30 में बिका है, यस और नो? तो मेरा जवाब आपको एक ही है कि मुझे बताओ ये 30 में बिका है कि नहीं? 30 में बिका है, वेरी गुड। अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को उसका जवाब दे दें, और एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोई भी बच्चा दे सकता। मान लो मेरे पास 5 एप्पल है, ठीक है, उसमें से 3 एप्पल मैं खा गया। माई क्वेश्चन टू यू, बताओ मेरे पास कितने ऑरेंज बचे? अरे सर ये क्या आप बोल रहे हो, 5 एप्पल था, 3 एप्पल खा गया, ऑरेंज कहां से आ गया बीच में? बस ये जो तेरे को फीलिंग आई ना कि ऑरेंज बीच में कहां आ गया, बस वही फीलिंग मुझे भी आई जब तूने क्या बोला, ये 30 है ना सेलिंग प्राइस है। समझने का कोशिश कर, मुझे सोच के बता, ये ओपनिंग जो दिया है वो कॉस्ट पे, परचेज ये खरीदा है तूने कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से ही माइनस करते हैं, मतलब वो भी एक टाइप का क्या होता है? कॉस्ट होता है, क्लोजिंग भी कॉस्ट होता है, तो ये बीच में सेल कहां से पैदा हो गया, ये सेलिंग प्राइस कहां से पैदा हो गया बे? ये गलत है। हम अगर मान लो इसको 50 का बेचते हैं तो 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है, वो हम पीएनएल में लिखते हैं, और 30 रुपीज यहां लिखते हैं, मतलब यहां भी क्या आता है? कॉस्ट। तो याद रखना, भले ही ये आउटफ्लो है, भले ही ये सेल है, बट ये सेल एट कॉस्ट है, सेल एट बुक वैल्यू है, यहां पर कभी भी प्रॉफिट इंक्लूड करके नहीं लिखना होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये दिमाग में ठूस ले कि यहां पर भले ही ये सेल है बट दिस सेल इज नॉट सेलिंग प्राइस। अगर तुझे सेलिंग प्राइस जानना है तो इसमें प्लस और माइनस क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस, तो तुझे मिलेगा सेलिंग प्राइस। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये कहां चला गया होगा? पीएनएल अकाउंट में, वहां से मिल जाएगा। फिलहाल ये जो दिया रहेगा वो क्या रहेगा? कॉस्ट। तो अपने को एक चीज समझ में आ गया कि ये लैंड एंड बिल्डिंग का हिसाब है। कैन आई गिव यू वन ट्राई? चलो एक ट्राई करके देखो, आता है क्या आपको? मान लो ये लैंड है, मेरे पास ओपनिंग में था 500, क्लोजिंग में मेरे पास 600 है, और कुछ नहीं दिया है, और कुछ नहीं दिया है, मिसिंग। तो चलो बताओ डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस कहां आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है, वेरी गुड। इसका क्या मतलब है?
अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बेटा कि हमने 100 रुपीज का लैंड और खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, है ना। अब मान लेते हैं ऐसा नहीं है, अगर मैं यहां लिख दू समझो 400, चलो बताओ डिफरेंस कहां आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। चलो इसका मतलब क्या है? डज इट मीन डेप्रिसिएशन? नॉट एट ऑल, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता। तो ये क्या है? सेल है। ये कौन सा प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? हाँ, वेरी गुड। अभी कैसा आपने बोला कॉस्ट प्राइस है? क्योंकि आपको समझ में आ गया वहां पे कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं होता, इसमें प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस करने के बाद सेलिंग प्राइस मिलता है। तो ये आपने एक लेजर रीड करना सीख लिया। कौन सा लेजर रीड किया? हाँ, फिक्स असेट वाला। तो हमको एक चीज यहां पे समझ में आ गई, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन ठीक है। यहां पर दो दो पॉसिबिलिटी, डेप्री और सेल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। चलो एक और ट्राई मारो। चलो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सेहत के लिए अच्छा। फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस असेट है तो ओपनिंग रहेगा ना भाई, इधर 1000 रुपया, क्लोजिंग बैलेंस मान लो 800। चलो फटाक से बता दो मुझे डिफरेंस कहां आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। चलो बताओ ये क्या है? ये क्या है? सेल है। ये डेप्रिसिएशन होगा। जब तक क्वेश्चन बोले नहीं कि ये सेल है, तब तक अपना दिमाग नहीं लगाने का। फर्नीचर डेप्रिशिएट नहीं होता है, जरूरी है क्या बेच दिया? तो सबसे बेस्ट अजम्पशन, अगर तुमने वहां पे बेच दिया सेल लिखते हो तो डेप्री कहां गया? तो बेस्ट अप्रोप्रिएट अजम्पशन क्या आएगा? क्या रहेगा वो? डेप्रिसिएशन। कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ, अगर क्वेश्चन में सामने से बोला है इतना परचेज है और इतना का बिक गया तो अपने को मालूम पड़ेगा, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग डेप्री निकाल सकते हैं। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं, ये समझाने के लिए कि लेजर को रीड करना सीखो, तभी तो तू बता पाएगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट बाहर निकल रहे हैं। व्हेन दे आर गिवन 100 एंड गिवन 150, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, परचेज की पॉसिबिलिटी, डेप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी, सेल की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये अपने को आना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग वाला हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सबको समझ में आया। चलो लेट मी टेक यू टू द गुडविल। सो दिस इज माई लेजर नंबर 2, गुडविल। चलो बताओ गुडविल असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट है। तो बेसिक बैलेंस डेबिट होगा तो ओपनिंग यही होगा। मान लो ओपनिंग में 500 है और क्लोजिंग में मान लो 600 है। चलो क्या मतलब है इसका? पहले 500 था, अभी 600 हो गया। गुडविल डेप्रिशिएट होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, इसका मतलब है हमने और गुडविल खरीदा है कि नहीं। So there is a possibility that we purchase goodwill. अब purchase मान लो मैंने 100 रुपए का purchase किया। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, हम लोग ने ड्यूरिंग दियर राइट ऑफ भी किया है, यू नो राइट ऑफ होता है ना, गुडविल लॉस होता है एक टाइप का, तो राइट ऑफ होता है। तो मान लो राइट ऑफ मैंने 200 किया और ये नहीं मालूम, तो हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 300 का। 300 क्या मान लिया जाएगा? परचेज। अगर मान लो क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, इफ द परचेज इज नॉट गिवन, ऐसा कुछ है, और ये मान लो दिया है 400, तो क्या पॉसिबिलिटी है? सेल तो नहीं होता, ये इंटेंजिबल असेट है तो सेल थोड़ी होगा, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? राइट ऑफ हो गया। तो यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, यहां पर क्या होता है? राइट ऑफ। राइट ऑफ कहां होता है? पीएनएल में। तो सिर्फ जानते रहिए कि गुडविल को हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, डेबिट में आएगा तो परचेज, क्रेडिट में आएगा तो राइट ऑफ। समझा कि नहीं? डिफरेंस कहां है उसके ऊपर है। डेबिट में आएगा तो क्या बोलोगे? परचेज ऑफ गुडविल। क्रेडिट में आएगा तो क्या बोलोगे? सेल नहीं, राइट ऑफ टू पीएल। समझा आपको? सिमिलर वे पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो आप जितने भी इंटेंजिबल गुडविल, इंटेंजिबल असेट्स को जानते हो, उस तरीके से चलेगा। नाउ माय लेजर नंबर, वी आर जस्ट रीडिंग लेजर्स।
चलो बताओ, ओपनिंग यही होगा एसेट है से 100, क्लोजिंग में अपने को दे रखा है समझो 400। चलो, हैव यू एवर हर्ड कि इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट होता है? नहीं, इसमें डेप्रिसिएशन करके कॉन्सेप्ट नहीं होता, एट द मोस्ट होता है राइट ऑफ होता है, लेकिन राइट ऑफ भी बहुत रेयर ओकेजन है। तो यहां पर जो हमको समझ में आ रहा है, अगर ऐसा पोजीशन दिया है तो सीधी सी बात है 300 का क्या हुआ रहेगा, परचेज। मतलब हमने 300 का इन्वेस्टमेंट और खरीदा इस साल में, आपको समझा क्या? अगर मैं इसी को ऐसे बात करूं, मान लो डिफरेंस ऐसे हो जाए तो सेम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की ही बात कर रहा हूं मैं, ओपनिंग दिया है 100 एंड से क्लोजिंग बैलेंस दिया है 80। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यहां डिफरेंस आ गया 20, व्हाट दिस 20 विल रिप्रेजेंट? सेल। यहां डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा, है ना? सेल मतलब मैं सोल्ड लिखता हूं, तेरे को कंफ्यूजन नहीं करना है मेरे को, सोल्ड। अब मुझे बताओ ये कॉस्ट पे है कि सेलिंग प्राइस पे है? बिल्कुल गलती मत करना, ये कॉस्ट पर आएगा। किस पे आएगा? ये कॉस्ट है, समझा तुझे? इसमें प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो पीएनएल से मिलेगा, देन आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस। इतना पैसा मिला आपको, मतलब अगर मान लो 20 की चीज 30 में बेची तो 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, 20 की चीज थी। तो जो हम लोग बेचते हैं, कभी भी याद रखना लेजर में जो भी आता है वो कॉस्ट पर ही आता है, ओके? तो इन्वेस्टमेंट का लेजर आपको समझ में आ गया क्या? सिंपली डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें एक ही सिंपल सा चीज है, अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी कॉस्ट पे। आपको समझ में आ रहा है क्या अपन क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग लेजर्स। हम लोग देखो बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग को बेसिक से नहीं समझ में आता तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म डेबिट में आएगा तो परचेज, क्रेडिट में आएगा तो सेल, ये सब आना चाहिए। इसके बिना तो मतलब फंड फ्लो तो मैं छूंगा भी नहीं। तो अभी तक आप कहां तक पहुंच गए बैलेंस शीट में? देखो इधर आओ, बैलेंस शीट में आपने अभी तक नॉन करेंट असेट के लेजर बनाए। किसके लेजर बनाए बेटा? नॉन करेंट असेट के। अभी चलो नॉन करेंट लाइबिलिटी के लेजर बनाए। तो लेजर नंबर 3 था, आ जाओ अभी लेजर नंबर 4, और मजा भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बेसिक अपना स्ट्रांग हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना? सो लेजर नंबर 5, ये क्या था? सॉरी, 5 कहां से आ गया, 4 कहां गया? 4। अब मैं बनाता हूं कैपिटल, बट कैपिटल में ना मुझे स्पेसिफिक होना है, तो लेट मी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर यू। द वेरी फर्स्ट थिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, तो इसका ओपनिंग कहां होगा? डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड होगा? बेसिक बैलेंस, लायबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ओपनिंग बैलेंस यहां होगा, ये गलती मत करना, ठीक है? 100। क्लोजिंग बैलेंस यहां होगा, मान लो ये भी 100 है। इसका क्या मतलब है? आप सिर्फ देखो मत, रिप्लाई मुंह से बोलो, बोलोगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप होता है, बढ़ता है, उसका जरूरत है आपको, है ना? सो ओपनिंग में कितना है? 100, और क्लोजिंग में भी कितना है? 100। तो मुझे बताओ क्या हुआ थ्रू आउट द ईयर, क्या हुआ? सर ऐसे देखोगे तो ओपनिंग में 100 था, क्लोजिंग में 100, कुछ नहीं हुआ, और क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, है ना? अब मैं बोल रहा हूं, मान लो पहले 100 था और 120 हो गया। अब बताओ, अर्लियर इट वॉज 100, लाइबिलिटी 100 थी, अभी ये लाइबिलिटी बढ़ के 120 हो गई, तो बताओ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ड्यूरिंग द ईयर हमने इशू किया है ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल,
एम आई क्लियर विद दिस? हमने क्या किया है, इशू, देखो शेयर कैपिटल बढ़ता कब है, जब इशू करते हो। अब एक चीज समझो कि जब आपने इशू किया तो बढ़ गया, इसका उल्टा भी हो सकता था, क्या होगा बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, उल्टा सोचो, ओपनिंग, उल्टा सोचना मतलब ओपनिंग वही रहेगा, ये 100 है, मान लो क्लोजिंग बैलेंस हो गया से 80, 20, इसका मतलब होता है बाईबैक, रिडीम जिसको आप बोलते हो, अभी रिडीम वर्ड इक्विटी के लिए यूज नहीं करते इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं। सिमिलर वे अगर ये इक्विटी है, ऐसे ही आप किसका नाम ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी ऐसे ही ट्रीट करना है, तो उसके लिए अलग से नहीं बना रहा हूं मैं, बस उसको बायबैक की जगह क्या बोलोगे, रिडम्पशन, बाकी कोई नया टर्मिनोलॉजी नहीं है। ओके, हम चेंजेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ये, देखो ये समझ में आ रहा है क्या, डेबिट में आया तो अलग मीनिंग आ रहा है इसका, कम हो रहा है ना, क्रेडिट और क्रेडिट बढ़ रहा है तो इशू हुआ, क्रेडिट एंड डेबिट कम हो रहा है मतलब रिडीम हुआ, रिडीम मतलब बायबैक कर लिया आपने, पे ऑफ कर दिया वो लोग को, कुछ इस तरीके से। आर यू क्लियर विद दिस? ओके ग्रेट, नाउ दिस वॉज रिलेटिंग टू कैपिटल, नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग कॉल्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम, हेल्प मी, पहले बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कहां रहता है, लायबिलिटी साइड में रहता है, तो इसका बेसिक बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो ओपनिंग कहां आएगा, यहीं पर आएगा, ये अच्छे से सीख लो, दिमाग मत खराब करना मेरे बाद में, क्लोजिंग बैलेंस में मान लो ये 80 है, बढ़ गया कि कम हुआ, कम हो गया, कम कब होता है बताओ, याद करो सिक्योरिटी प्रीमियम को, अगर हम लोग किसी और सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट में राइट ऑफ करते हैं, ऐसा सब सिचुएशन आता है, रिडम्पशन के टाइम पे हम ज्यादा प्रीमियम देते हैं तो प्रीमियम को प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं, तभी ये कम होता है, मान लो ये बढ़ गया 180 हो गया, चलो बताओ 180 कब होगा, 80 और आया, ये नोटिस किया आपने, इश्यू ऑफ शेयर्स हुआ है, जब इश्यू ऑफ शेयर्स प्रीमियम पे होगा तो यहां पर प्रीमियम आएगा, मतलब इश्यू एट प्रीमियम। अब एक चीज समझने की वाली बात है, ये दोनों आपस में बेटा कनेक्टेड है, मतलब जो फेस वैल्यू था वो था 20 और इशू प्राइस था 100, इस वजह से आया प्रीमियम 80, तो याद रखना उसका जो फेस वैल्यू होता है वो हम लोग यहां लिख रहे हैं और उसका जो प्रीमियम होता है वो हम लोग यहां लिख रहे हैं, और हमको पैसे कितने मिले, ये तो बैंक में जाएगा ना, तो लायबिलिटी साइड में हम लोग फेस वैल्यू जो होता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में आता है, तो याद रखना इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू लिखते हैं, तो वहां कुछ नया मत ला देना, जो भी फेस वैल्यू आपका आ रहा है जा रहा है उसके हिसाब से लिखते हैं। सिमिलर वे ये भी फेस वैल्यू ही रहेगा ना, रिडीम हो रहा है जो, तो यहां पर उसका प्रीमियम हम कहां लिखते हैं, इश्यू ऑफ प्रीमियम में, प्रीमियम पे इशू किया, ये तो सबको पता है ना, मतलब हमने इशू किया प्रीमियम पे, जनरली इसमें डेबिट नहीं होता, अगर डेबिट होगा तो उसका मतलब यही है कि भाई अपन ने उसको क्या किया, प्रीमियम को प्रीमियम के अगेंस्ट में नॉक ऑफ किया, जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल, ये एग्जांपल देता हूं उसके बाद आप पूरा लिखो, ठीक है, मान लो जनरल रिजर्व अकाउंट है, लायबिलिटी होता है मतलब ओपनिंग बैलेंस यहां पर ही होगा, मान लो 500 है, क्लोजिंग बैलेंस मान लो 600 है, तो सीधी सी बात है इसमें कहीं ना कहीं तो 100 और बढ़ गया, अब 100 कहां से बढ़ेगा बताओ, इसका बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट में वापस से क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, कहां से बढ़ेगा, अगर आपने इसमें ट्रांसफर किया है फ्रॉम पी एंड एल तो ही बढ़ेगा, और क्या पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जनरल रिजर्व में पता है ना प्रॉफिट होता है तो हम उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, सिमिलर वे
हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रांसफर टू पीएनएल, अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा तो क्या हो जाएगा, पीएनएल में गया, पीएनएल से आया पीएनएल में गया, मतलब ये कभी खरीदा बेचा नहीं जाता है, इसमें या तो पैसा आता है या तो पैसा जाता है, आता है मतलब कहां से आ रहा है, पीएनएल से, जाता है तो पीएनएल में जाता है। सो इट्स लाइक दिस, इट इज वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है। ये भी समझ में आ गया, अभी क्या करो, इतना लिख लो, मैंने आपको रिजर्व्स वगैरह समझा दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल, ये पूरा लिख लो पहले, हम लेजर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, अभी हम लोग यहीं पर है बेटा, वी आर ऑन पार्ट ए। लेजर समझ जाएगा तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो एक लेजर फर्स्ट वन किया आपने, सेकेंड वन गुडविल, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, फोर्थ हमने कैपिटल एंड उसी में रिजर्व किया है। तो डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है वो समझना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना। और टीवाई के एग्जाम नहीं लिख रहा है तू, कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं लिख रहा, प्रोफेशनल एग्जाम है, तो ये चीजों की क्लैरिटी होना चाहिए कि डेबिट में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है। ओके, सो ये था मेरा लेजर नंबर फोर। गैस लेजर नेक्स्ट कौन होगा, सिक्स, फाइव था ना ये, अभी मेरे में एक नंबर ज्यादा क्यों चल रहा है दिमाग में, दिस इज फाइव। चलो बताओ लेजर नंबर फाइव क्या ले लो, बैंक लोन ले लें, लाइबिलिटी है बैंक लोन, ओपनिंग यहां होगा, मान लो ओपनिंग में 500 है, क्लोजिंग में 400 हो गया, चलो बताओ बढ़ गया कि कम हुआ, ओपनिंग में 500 था लाइबिलिटी, नाउ द लाइबिलिटी हैज बिकम 400, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज दिस 100 रिप्रेजेंट्स, टेल मी, 500 से 400 कम हो गया, कम हो गया मतलब आपने क्या किया रहेगा, रीपेड हो सकता है ना। और मान लो अगर यहां पे मैं लिख दूं 100, तो ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये 600 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 200 आ जाएगा। तो अगर डेबिट में आ गया, चलो एक ही बार करते हैं, एट ए टाइम पे वन ओनली, मुझे दोनों समझाना था बट ठीक है कोई बात नहीं, पहले ये भेजे में उतर गया क्या, रीपेड, ऐसा हो सकता है ना, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो रीपेड, इसमें कोई डेप्रिसिएशन या इशू नाम का कोई चीज नहीं होता है, रीपे कर दिया। और जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कभी लोन अकाउंट में नहीं आता है, इंटरेस्ट तो डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को पेमेंट हो जाता है, यस और नो, तो यहां पर इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं रखना है। सिमिलर वे वी डू फॉर डिबेंचर ऑल्सो, डिबेंचर भी ऐसे ही चलता है बेटा, समझो अपने पास है 10% डिबेंचर, लाइबिलिटी तो ओपनिंग होगा से 100, अब मान लो क्लोजिंग बैलेंस में है से 200, व्हाट डज इट मीन, पहले 100 था भी 200 हो गया, तो 100 और बढ़ गया, क्रेडिट बढ़ गया, क्या हुआ रहेगा, इशू हुआ रहेगा, सेम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जैसा, क्रेडिट में आ गया तो इश्यू हो गया, अब बता डेबिट में आएगा तो क्या होगा, रिडीम, उसने क्या सोचना जैसा, यस और नो। और इसको एकदम बकायदा स्केल स्केल लेके मत बनाओ, नॉर्मल फटाफट बनना चाहिए तुम्हारा। अब यही चीज मान लो 10% डिबेंचर, ओपनिंग बैलेंस में मान लो 100 होता और मान लो क्लोजिंग बैलेंस में से 80 होता, इसका क्या मतलब है, पहले 100 था अभी 80 हो गया, तो 20 का डिफरेंस आया, इसको बोलते हैं रिडीम, रिडीम बोलो रीपे बोलो बात एक ही है, यस और नो। क्या ये भी प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर यहां पे प्रीमियम होता तो,
तो ये प्रीमियम जाता तेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। बोलने का मतलब ये फेस वैल्यू है, ये भी फेस वैल्यू है, ये भी फेस वैल्यू है, समझा। सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम चला जाता, मतलब 20 रुपीज जो भी उसका होता वो हम लोग प्रीमियम अकाउंट में लिखते हैं। सिमिलर लाइक इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स के जैसा चलता है। तो आपने सक्सेसफुली सक्सेसफुली यू हैव कंप्लीटेड नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड नॉन करेंट असेट। तो ये एक पार्ट आपने खत्म कर लिया, टू अंडरस्टैंड द लेजर का मीनिंग कि डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, डिफरेंस आएगा, कहाँ आएगा। मैं चाहता हूँ इसको अच्छे से लिखो और एक एक चीज को खुद से दिमाग से सोचो कि डेबिट में आएगा उसका मीनिंग क्या है, क्रेडिट में आएगा उसका मीनिंग क्या है, डेबिट में आएगा तो मीनिंग क्या है, क्रेडिट में आएगा तो उसका मीनिंग क्या है। 5-10 मिनट चाहिए तो एक्स्ट्रा ले लो, फिर से चाहिए तो देख लो एक बार। मुझे चाहिए दिमाग में परफेक्टली फिट हो ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जब मैं आपको समझाऊं तो मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। सो ये लेजर है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये जनरल रिजर्व बैंक लोन, ये डिबेंचर है।